हेलो एवरीवन आई एम नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट एम पी सी जीरो जीरो सिक्स ब्लॉक थ्री यूनिट थ्री मीनिंग ऑफ वेरिएंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरिएंस तो ये दोनों क्वेश्चन थ्री मार्क्स में आते हैं ठीक है इंडिविजुअली बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन होता है थ्री मार्क्स के क्वेश्चन जितने भी होंगे आप वन पेज लिखेंगे विद फॉर्मूला विद छोटे छोटे पॉइंट्स जो जो एग्जामिनर आपका चेक करेगा आंसर शीट उसको बस पॉइंट्स दिखने चाहिए कि हाँ फ्रंट पे ये ये पॉइंट मेन मेन लिखे हुए हैं एंड आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे पूरा थ्री मार्क्स भी मिल सकते हैं क्योंकि ये स्टैटिस्टिक है ठीक है मैथ्स से रिलेटेड है तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं मीनिंग ऑफ वेरियंस ठीक है मीनिंग ऑफ वेरियंस विद एग्जाम्पल हम हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे तो वीडियो आप फुल देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा तो सबसे पहला पॉइंट है वेरियंस इज़ अ मेज़र ऑफ हाउ डेटा पॉइंट्स डिफर फ्रॉम द मीन इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं मान लीजिए कि एक ए डेटा है एंड एक बी डेटा है तो ए डेटा में क्या है सिक्स एंड फोर है एंड बी डेटा में है एट एंड टू ठीक है तो हमें ये क्या देखना है मेजर ऑफ हाउ डेटा पॉइंट डिफर फ्रॉम द मीन तो हम सबसे पहले क्या करेंगे पहले ए डेटा का हम मीन फाइंड करेंगे एंड बी डेटा का मीन फाइंड करेंगे तो मीन कैसे फाइंड करते हैं हम लोग uh, सिग्मा एक्स अपॉन एन ठीक है मतलब कि सम ऑफ एक्स मतलब कि ये जो सिक्स एंड फोर अपॉन टू ठीक है एंड क्या हो जाएगा हमारा मीन टेन अपॉन टू इसक्ल टू फाइव तो दैट मीन्स कि इस डेटा का जो हमारा मीन है वो फाइव है ठीक है एंड सेम हम बी डेटा का भी फाइंड करेंगे सिग्मा एक्स अपॉन एन तो इस्क्ल टू क्या हो जाएगा एट प्लस टू अपॉन टू इसक्ल टू टेन प्लस टू टू फाइव तो इसका इस डेटा का मीन क्या होगा फाइव तो हमें यह देखना है ये जो मीन है ठीक है ये इस डेटा से कितना डिफर है आप देख सकते हो कि ये जो मीन है इस डेटा से बहुत ही पास में है ठीक है सिक्स एंड फोर ज़्यादा फार में नहीं है ये डेटा ठीक है और वहीं पर अगर आप ये देखोगे फाइव तो एट एंड टू बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में ठीक है तो हम यही फाइंड करते हैं फर्स्ट पॉइंट ये हो गया वेरियंस का सेकेंड पॉइंट ये है ये हम एक डेफिनेशन uh, के अकॉर्डिंग चलेंगे डेफिनेशन दी थी अकॉर्डिंग टू लेमेन ठीक है सो लेमेन ने कहा था कि वेरियंस इज अ मेजर ऑफ हाउ फार अ सेट ऑफ डेटा या नंबर आर स्प्रेड आउट फ्रॉम दियर मीन एवरेज या वैल्यू इसको हम ना इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं रैंडमली डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो दैट मीन्स कि जो हमारा शेप आएगा वो बेल शेप होगा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है जब सैम्पल या डेटा आपने अगर पढ़ा होगा वीडियो देखी होगी मेरी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा तो हमारा मीन कहाँ होगा इसमें बिल्कुल मिड में होगा ठीक है तो इनके कहने का मतलब है मीन या फिर एवरेज ठीक है जो मीन या एवरेज वैल्यू है इन डेटा की ठीक है उससे वो कितने वो डेटा जो है वो कितना दूर तक फैला हुआ है ठीक है हम यही मेजर करते हैं वेरिएंस में दैट मीन्स कि सिक्स फोर एट टू ठीक है ये कितनी दूर तक फैला हुआ है सिक्स यहाँ आ सकता है फोर यहाँ आ सकता है एंड एट टू ठीक है तो यही हम मेज़र करते हैं ये हमारा वेरियंस कहलाता है ठीक है आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया हो अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं ओके नेक्स्ट पॉइंट है कि द एवरेज ऑफ द स्क्वायर डिफरेंसेस फ्रॉम द मीन अब इसको ना हम जो इसका फॉर्मूला है उसके थ्रू समझते हैं जिससे कि आपको ईजीली समझ में आ जाएगा स्टैंडर्ड एविएशन मतलब जो स्टैंडर्ड एवियेशन है अगर पॉपुलेशन में होती है पॉपुलेशन में होती है तो हम किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा ठीक है बट वहीं पर अगर पॉपुलेशन का हम स्टैंडर्ड एवियेशन के मीन का हम स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा ठीक है यही तो है एवरेज ऑफ द स्क्वायर डिफरेंसेस फ्रॉम द मीन तो हम क्या करेंगे इसको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा वेरिएंस ठीक है एंड सेम अगर हम सैंपल में अगर हमारा डेटा होता है तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एस उसको हम स्मॉल एक्स को अगर स्क्वायर कर देंगे तो वो हमारा वेरियंस होगा ठीक है तो दैट मीन्स कि इन दोनों का फॉर्मूला भी डिफरेंट डिफरेंट होगा पॉपुलेशन और सैम्पल का तो सबसे पहले हम पॉपुलेशन का देख लेते हैं तो पॉपुलेशन का जो फॉर्मूला है वो वेरियंस इज ऑफ टू वैल्यू मीन पॉपुलेशन अपॉन मी एन तो इसका आपको पता ही है क्या होगा ये पॉपुलेशन वेरियंस ठीक है वहीं पर ये जो हमारा साइन होता है इसको हम सिग्मा बोलते हैं बट ये होता है हमारा सम ऑफ ठीक है एक्स क्या होगा हमारा ईच वैल्यू ओके एंड ये हमारा हो जाएगा मीन ऑफ पॉपुलेशन ठीक है जब हम मीन ऑफ पॉपुलेशन लिखते हैं तो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है ये हो जाएगा पॉपुलेशन मीन ओके एन एन नंबर क्या है आपका आपको पता ही है कि नंबर ऑफ वैल्यूज़ इन पॉपुलेशन मतलब कि अगर डेटा जैसे है टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है तो ये वन टू थ्री फोर फाइव तो ये हमारा हो गया नंबर ऑफ डेटा एन ओके okay? तो ये जो पॉइंट है ये आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या करते हैं द एवरेज ऑफ द स्क्वायर डिफरेंसेस फ्रॉम द मीन जैसे कि ये हमारा एक्स uh, वैल्यू है ठीक है ये हमारी एक्स हो गई और इसका अगर हम मीन निकालेंगे तो क्या होगा मीन किस तरीके से निकालेंगे तो इसका जब हम मीन निकालेंगे इसको सम करेंगे जैसे मैंने बताया था सिग्मा एक्स अपॉन एन तो हमारा हो जाएगा ट्वेंटी अपॉन फाइव जब इसको सम आप करोगे तो ट्वेंटी होगा तो इसकोल टू फोर हमारा मीन आ जाएगा तो हमें क्या करना है कि ये ईच वैल्यू का हमें क्या करना है डिफ्रेंस करना है एंड उसका स्क्वायर करना है ठीक है ओके तो यही हमारी जो डेफिनेशन है ना यहाँ पर फॉल कहती है इसीलिए मैंने सोचा था कि आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी मैं तो हमारा जो x क्या हो जाएगा सम ऑफ ईच वैल्यू ठीक है सम ऑफ़ ईच वैल्यू हमारी क्या हो गई ट्वेंटी हो गई तो ट्वेंटी माइनस में इसका मीन कितना आया है इस वैल्यू का फोर फोर अपॉन स्क्वायर एंड अपॉन में फाइव ठीक है इसी को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा वेरिएंस फाइंड हो जाएगा किसका वेरिएंस हो जाएगा हमारा पॉपुलेशन का वेरिएंस फाइंड हो जाएगा तो ये आपको समझ में आ गया होगा द एवरेज ऑफ द स्क्वायर डिफरेंसेस फ्रॉम द मीन ठीक है अब हम सैंपल का देख लेते हैं सैंपल का भी थोड़ा इसी तरीके से है और यही चीज हम फाइंड करते हैं ठीक है सैंपल का फॉर्मूला क्या होगा तो एस स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ माइनस एक्स बार पौन में एन माइनस वन तो वहीं पर आपको पता है कि जो ये है हमारा सैम्पल वेरिएंस है ठीक है एंड जो हमारा ये है सम ऑफ है सिग्मा एंड एक्स क्या है ईच वैल्यू इसलिए यहाँ पर स्टार्टिंग में ही लग, न, सम ऑफ कर दिया गया है कि आपके जो एक्स वैल्यू का सम और मीन का सम ठीक है वो आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है एंड जब आप मीन का सैंपल का आप मीन फाइंड करेंगे तो आपको एक्स बार करके इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है एंड मैं आपको बता चुकी हूँ अगर पॉपुलेशन का मीन होगा तो वहाँ पर म्यू बार होगा ठीक है इसको हम रीड करेंगे म्यू बार तो ये हो गया सैम्पल मीन ओके okay? एंड uh, जो स्मॉल एन है वही होगा जो सेम कैपिटल एन है नंबर ऑफ वैल्यूज इन सैंपल ठीक है सेम आपको इसी मेथड से आपको इस फॉर्मूला पे वैल्यू पुट कर देनी है ठीक है बस यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है यहां पर एन माइनस वन है और यहां पर ओनली वन है ठीक है तो ये पॉपुलेशन और सैम्पल का फॉर्मूला था किसका वेरियंस का आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया हो ठीक है उन पॉइंट्स के साथ आप ये फार्मूला और इनकी जो क्या रिप्रेजेंट करता है कौन सा डिजिट या कौन सा वैल्यू तो वो आपको यहां पर लिखना है ठीक है आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया हो अब नेक्स्ट चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियंस ओके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मै वेरियंस में सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है द वेरियंस इज़ द मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी विच इंडिकेट द अमंग ग्रुप और बिटवीन ग्रुप्स डिफरेंसेस एज वेल एज विद इन यहाँ पे विद इन ग्रुप डिफरेंस ठीक है दैट मीन्स कि बिटवीन ग्रुप डिफरेंस ग्रुप वेरियंस है और ये विद इन ग्रुप वेरियंस है दैट मीन्स कि बिटवीन ग्रुप्स के हर एक ग्रुप के बीच का हम डिफरेंसेस देखते हैं ठीक है हर एक ग्रुप के मीन्स का डिफरेंसेस देखते हैं ठीक है बट यहाँ पर हम क्या देखते हैं ईच ग्रुप के मीन्स का डिफ्रेंसेस देखते हैं ठीक है जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर ए बी एंड सी डेटा है ठीक है फॉर एग्जाम्पल टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व एंड थर्टीन ठीक है तो दैट मीन्स कि जब हम बिटवीन ग्रुप वेरियंस देखेंगे तो ए का बी से और बी का सी से ठीक है इस तरीके से देखेंगे बट वहीं पर अगर हम विद इन ग्रुप वेरियंस देखेंगे तो हम सी ग्रुप के इन वैल्यू के बीच का डिफरेंसेस देखेंगे ठीक है तो इसीलिए ये विद इन ईच ग्रुप है एंड ये अमंग ग्रुप मीन्स है ठीक है तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया हो कि हम पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट है द वेरियंस इज ऑलवेज इन प्लस साइन जब आपको फॉर्मूला मैंने बताया था कि तो हमारा क्या था कि सम ऑफ ईच वैल्यू एंड मीन चाहे वो पॉपुलेशन का हो या फिर सैम्पल का हो हम यहाँ पॉपुलेशन के लेते हैं हम इसको क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं अगर इन दोनों को हम माइनस में करेंगे ठीक है हम डिवाइड कर सब्ट्रैक्ट करते हैं और उसके बाद उस वैल्यू को हम स्क्वायर कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिक वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस में हो जाएगी ठीक है तो इसीलिए कहा गया है कि द वेरियंस इज़ ऑलवेज इन प्लस साइन मीन्स कि पॉजिटिव साइन में आती है ठीक है आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया हम नेक्स्ट पे चलते हैं ओके नेक्स्ट पॉइंट इज द वेरियंस इज़ लाइक एन एरिया तो हम मैंने अभी आपको जब डायग्राम शो किया था कि किस तरीके से डिस्पोजल मेजर हम करते हैं किस तरीके से स्प्रिड होता है हमारा डेटा तो उसमें कुछ इस तरीके का मैंने डायग्राम बनाया था जब स्टार्टिंग में आपको बताया था तो इसमें क्या होता है हमारा जो डेटा होता है वो इन्हीं कर्व में क्या होता है स्प्रेड होता है ठीक है जो जितना भी आपका वैल्यू होगा वो इसी कर्व में स्प्रेड होगा तो ये हमारा क्या कहलाता है एरिया मतलब इसी एरिया में जो वेरिएंस है वो स्प्रेड हो रहा है ठीक है आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ ओके नेक्स्ट पॉइंट है कि द स्कोर्स ऑन नॉर्मल कर्व आर शोन इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स कुछ इस तरीके के यूनिट्स में शो होता है बट वेरियंस इज एन एरिया देयर फोर इधर इट शुड बी इन लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द नॉर्मल कर्व दैट मीन्स की जो वेरियंस है उसका एरिया या तो राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड में हो सकता है दैट मीन्स कि ये राइट right है एंड ये लेफ्ट है दोनों साइड में जो डेटा है वो स्प्रिड हो सकता है ठीक है ओके नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है द वेरिएंस रिमेन द सेम बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग अ कॉन्स्टेंट इन डेटा सेट मान लीजिए कि हमने अभी प्रीवियस डेटा लिया था ए एंड बी तो ए क्या था हमारा सिक्स एंड फोर था एंड ये एट एंड टू था ठीक है तो अगर हम पॉपुलेशन uh, या सैम्पल या किसी भी फॉर्मूला uh, को पुट करके अगर हम वैल्यू फाइंड करते हैं ठीक है वेरियंस को फाइंड करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए इनका हमारा वैल्यू आती है वन पॉइंट सेवन ठीक है हम कोई भी फॉर्मूला यूज़ करते हैं सैम्पल या पॉपुलेशन का ठीक है ये एग्जाम्पल है मैंने कैलकुलेट नहीं किया है ठीक है तो इसका ध्यान रखना आप तो इसका वेरियंस वन पॉइंट सेवन आता है बट इन्हीं वैल्यू में अगर हम प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू या फिर माइनस टू माइनस टू माइनस टू माइनस टू कर देते हैं तो हमारी वैल्यू सेम ही आएगी ठीक है वन पॉइंट सेवन ही आएगी आपने अगर पॉपुलेशन का फॉर्मूला यूज़ करके इस वैल्यू को फाइंड किया है तो पॉपुलेशन का अगर फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो आपकी वैल्यू सेम आएगी अगर सैंपल का यूज़ किया है तो आपकी वैल्यू सेम आएगी ठीक है तो द वेरियंस रिमेन द सेम बाई एडिंग और सब्टैक्टिंग अ कॉन्सटेंट इन अ डेटा सेट ठीक है बट एक पॉइंट यहाँ पर और मैंशन कर देना आप कि वेन मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बाई अ कॉन्सटेंट ऑफ डेटा इन अ डेटा सेट मीन्स कि अगर हम डिवाइड uh, कर रहे हैं ठीक है या फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारी जो ये वैल्यू है ये चेंज हो जाएगी ठीक है इन वेरियंस ठीक है आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया हो तो ये था वेरियंस मीनिंग ऑफ वेरियंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियंट आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया हो क्लियर हो गया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा मैं आपके लिए ऐसे नॉलेजेबल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज लाती रहूँगी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनालिसिस ऑफ वेरियंस ठीक है तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ तब तक मेरी वीडियोस को देखते रहिए शेयर करते रहिए थैंक्स फॉर वॉचिंग